हमारे भारत देश में भगवान की बहुत सी पदयात्रा निकलती है। वैसे एक पदयात्रा आळंदी से पंढरपुर जाती है, वो वाल्ले गांव से गुजरती है। इस पदयात्रा में बहुत बड़ा जन समुदाय होता है। ये लोग वाल्ले गांव में एक दिन और एक रात ठहरते हैं। ये लोग आने की खुशी में गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव की साफ सफाई करते हैं। किती वर्ष झाले तुम्ही पालखीत येता? मी 15 वर्ष झाले पालखीत। कुठल्या उद्देशाने येता तुम्ही पालखीत? साधू संतांचं दर्शन घडावं, त्यांची मुखातून जी काही सत्मार्ग किंवा सन्मार्गाचे जे काय चाहे घडते ते प्राप्त होते। मगर ये लोग जाने के बाद जो खाया हुआ उन्होंने खाना है वो वैसा ही फेंक देते हैं, और जो मानव निर्मित गंदगी है इसके कारण गांव में सभी रोग राई पसरती है और सभी गांव के लोग बीमार पड़ते हैं। म्हणजे पालखी गावात आले की एखादा सण आल्यासारखं असल्यासारखं वाटतं, आणि पालखी गेल्यावर दुःखही होतं। कारण काय होतं, पालखी गेली की त्या गावात घाणपण खूप होते, आणि मग त्या लोकांना कितीही सांगितलं तरी पण ते काय करायचं तेच करतात। कारण ते एक लोक नसतं ना तिथं, सगळे बरेच माणसं असतात। आता शासनाने फिरती शौचालय केले तरी पण माणसं काय त्यात जात नाहीत, काही जातात काही जात पण नाहीत। त्यामुळे गावात काय होतं, रोगराई भरपूर पसरते, त्याबरोबर साथीचे रोगही येतात, आणि मग गरिबांजवळ तेवढा पैसा नसतो ना खर्च करायला, मग त्यात एखाद्या आजाराला बळीसुद्धा पडतो त्यात। तुम्हाला असं वाटतं का तुमच्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होतोय काही ह्या गावकऱ्यांना म्हणा? नाही नाही, असं काही वाटतच नाही। तुम्ही इथून गेल्यावर जी गावात घाण होते काय होते तेव्हा गावकरी काय म्हणत असतील असं वाटतं? असं काही वाटतच नाही, घाण होत नाही। जनतेने आपापली स्वच्छतेची काळजी जर वेळच्या वेळी घेतली तर हे संकट गावावरून टळू शकते। हम कहते हैं इंसान में ही भगवान छुपा है, फिर भी हम भगवान को जब पुण्य कमाने के लिए जाते हैं तो हमारे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मगर जो लोग हमारे आने के खुशी में इतनी सब तैयारियां करते हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वाल्ले गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।